फ्रेंड्स, आई एम केश चौधरी। यहाँ हम बात करेंगे अबाउट दैट। सब स्टूडेंट, कुछ विद्यार्थी बोलते हैं, सर वेयर वी यूज डस एंड वेयर वी यूज डू जनरली। दस माई फादर डस प्राइवेट जॉब। फादर इज सिंगुलर, हियर डस इज वर्ब। वी आर यूजिंग एज अ वर्ब, क्रिया के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट, राइट। माई फादर डस प्राइवेट जॉब, मेरे पिताजी प्राइवेट जॉब करते हैं। एंड वी फिक्स माई फादर डू प्राइवेट जॉब, इट विल बी रॉन्ग, यस, बिकॉज वी हैव वन फादर। जस्ट शी हैज, शी डज गवर्नमेंट जॉब, वो गवर्नमेंट जॉब करती है, राइट। डज नॉट, वी यूज मोस्टली शी, ही, नाउ, अ गर्ल, अ बॉय, अ प्लेयर, अ सिंगर, दैट टाइम वी यूज does not, okay? He is does not a singer. वो कोई सिंगर नहीं है। He is not a singer, okay? He does not a singer. Next, and don't we use I, they, we, you, etc. Yes. Yeah, I don't like tea. मुझे चाय पसंद। I don't like it. That time. We can say they don't like coffee. Next. Thus, he does not go to school because he is singular. So that time we use does not. He does not go to school. वह school नहीं जाता। I don't go to school. मैं school नहीं जाता। Here, he is singular. So we use he sleeps in the class. वो class में सोता है। Singular, that's why we use sleep. Thus, हाँ, begin. Teaches, okay? वो हिंदी पढ़ाता है, so that time we use he teaches Hindi, right? She teaches English, वो English पढ़ाती है, that time we have to use in verb as es, right? वो अच्छा गाता है, okay? He sings well. यहाँ मैं एस का प्रयोग करना, राइट। वो बहुत चिल्लाता है, he cries too much. That time we use he cries too much. We use IES form, right? Yeah, वो मेरी कॉपी करता है, okay? He my copies. In this way we have to use IES. Right? Copies, crying, then we use lies also. He speak too much, lie, just like that. So that time we use, हाँ, ये हमेशा क्लास में बातें करता है. He always talks in the class. It will be right. Right. Because he is singular, so we use as es. Right? He always talk in the right. Rahul baat class mein baatein nahi karta. Rahul also singular, so we use don't. Rahul does not talk in the class. Rahul does not. Rahul is singular. So singular condition we use does. Right? He Rahul does not. Talk. And plural we use don't. हाँ, okay? Yes. तुम हमेशा शोर मचाते हो, okay? You always make a noise. So you plural, that time we use you. Always make a noise. Right? Yeah. Begin. रुचि हमेशा क्लास में सोती है, राइट। रुचि, तो दैट टाइम वी यूज रुचि सिंगुलर, रुचि अक्सर सोती है, अक्सर दैट टाइम वी यूज ऑफन, टुनाइट टी इज साइलेंट, रुचि ऑफन स्लीप्स इन द क्लास, राइट। सो हियर वी यूज, वी कैन से दैट डज एंड डू, in this way we have to use do and does. Does we use from, we can say singular subject jahan hoga to where hame use karna hai does not, right. Raju der tak nahi sota, Raju does not sleep late.
Raju. Okay, so that can be used in this way. And plural we use don't and does. A teacher always do complain sometime. कोई प्राइमरी टीचर है कि पेरेंट्स आ गए दैट टाइम ही कम डू कंप्लेन. ये मेरी एक बात नहीं सुनता. ही डस नॉट लिसन माय वन टॉक राइट. ये कभी एक जगह पे नहीं बैठता. ही नेवर सिट्स ही नेवर सिट्स वन प्लेस. ही ऑलवेज डिस्टर्ब्स अदर. यस ही ऑफन कम्स late, अक्सर लेट आता. He often comes late. Right, लड़की के लिए बोल रहे हैं. He comes that. She always talks in the class. Right? Yeah. ये मेरे सब्जेक्ट की कॉपी कभी नहीं लाता. He never. That time we use. He never brings. He singular, so we use as he is. He never brings my subject copy. कभी नहीं लाता दैट टाइम यूज नेवर. ठीक है. नहीं लाता दैट टाइम ही डज नॉट. ये मेरी सब्जेक्ट की कॉपी नहीं लाता. ही डज नॉट ब्रिंग दैट टाइम वी यूज डोंट एज. बिकॉज जहां हम डज नॉट यूज करेंगे दैट टाइम वी डोंट यूज एस ईएस एंड आईईएस. राइट. एस ईएस एंड आईईएस वी डोंट यूज. हम डोंट यूज नहीं करते हैं. जब आप डज नॉट लगाते हैं दैट टाइम वर्ब में एस ई एस और आई ई एस यूज नहीं करते. ही डज नॉट ब्रिंग माई सब्जेक्ट कॉपी. ही डज नॉट ब्रिंग माई नोटबुक. नहीं लाता. कभी नहीं लाता दैट टाइम यूज नेवर. ही नेवर ब्रिंग्स माई सब्जेक्ट कॉपी. फिर हमें जो है वो नेवर लगाएंगे. देन वी हैव टू अप्लाई एस ई एस. इन दिस वे वी कैन रिकोगनाइज अबाउट दैट डू एंड डज डिफरेंसेस.